दिल्ली यमुना बह रही है खतरे के निशान से ऊपर, कई गांव डूबे जिसमें उस्मानपुर गांव, गड़ी मेडू, श्रीराम कॉलोनी में भी यमुना का पानी बैक मार रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली विधानसभा करावल नगर श्री राम कॉलोनी वार्ड नंबर 246 के निगम पार्षद आमिल मलिक ने की मीडिया से खास बातचीत। बातचीत करते हुए श्री राम कॉलोनी की जनता को दिया भरोसा, घबराने की नहीं है जरूरत। यमुना के जलस्तर को बढ़ते हुए देखकर निगम पार्षद आमिल मलिक ने की बहुत जल्द कार्यवाही। जहां से श्री राम कॉलोनी में पाइपलाइन द्वारा पानी बैक मार रहा था, श्री राम कॉलोनी में बाढ़ की स्थिति न बन जाए, शासन प्रशासन द्वारा उसको ठीक कराया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर पूर्वी दिल्ली विधानसभा करावल नगर वार्ड नंबर 246 श्री राम कॉलोनी में। यमुना का जल स्तर बढ़ने से, पानी का जल स्तर बढ़ने से काफ़ी समस्या खड़ी हो रही है। इसी बीच में हमारे साथ मौजूद है निगम पार्षद आमिल मलिक, वार्ड नंबर 246 से बात करेंगे। श्रीराम कॉलोनी की समस्या को लेकर पानी की क्या स्थिति है जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना खजूरी खास के अंतर्गत। यहाँ हम पहुंच चुके हैं श्रीराम कॉलोनी में, और श्रीराम कॉलोनी में हम आ गए हैं निगम पार्षद आमिल मलिक जी के साथ। और आइए पूछते हैं इनके पास, इन्होंने अब तक क्या इंतजाम किए हैं। आमिल जी, क्या इंतजाम किए हैं आपने बाढ़ से बचने के लिए? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने NDRF की टीम को पूरी तैनात की हुई है। अभी मेरी अपने सीनियर नेताओं से बात हुई थी, संज्ञान में लिया है, तो पूरी की पूरी NDRF की टीम और फ्लड डिपार्टमेंट पूरा अल्हम्दुलिल्लाह आपका लगा हुआ है। और हमारी जो लोकल टीम है, हमारी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर, वो भी सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह आज लगे हुए हैं, जिसमें इमरान खान भाई, रईस अंसारी साहब और जितने भी नाम नहीं ले सकता मैं, कि बहुत सारे वॉलंटियर हैं हमारे श्रीराम कॉलोनी के, वो सारे के सारे लगे हुए हैं। और बहुत ही जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे, और कवर हमने कर भी लिया है। ऐसा कोई हमारी कॉलोनी के अंदर ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं है। जैसा कि प्रशासन का कहना है कि आज रात का खतरा बढ़ा हुआ है, लगभग पानी जो है काफी घनसक जो है लीटर यहाँ पे छोड़ा जाएगा, आज रात का बराबर खतरा बढ़ा हुआ है। अभी शीर्ष नेतृत्व मेरी बात हुई, दुर्गेश भैया जी से बात हुई है, गोपाल राय जी से बात हुई है, उन्होंने पूरा पूरा मुझे आश्वासन दिलाया है कि इंशाल्लाह ताला हमारी, हम हर चंद पूरी कोशिश दिल्ली के अंदर आपके वार्ड श्रीराम कॉलोनी के अंदर कर रहे हैं NDRFC की टीम। और स्वयं अभी थोड़ी देर पहले ADM साहब, DM साहब मेरे वार्ड का दौरा करके गए हैं, और जो हमारे DC साहब हैं MCD के, उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया है, और मैंने उनको संज्ञान में लिया है। और दुर्गेश भाई के जो विधायक प्रतिनिधि हैं देवमोहन सिंह जी, वो भी हमारे इलाके के साथ आए हुए हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, और कंधे से कंधा मिला करके पूरा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसको बहुत ही जल्दी, अल्लाह की जात से उम्मीद है, हम इसको कवर कर लेंगे। जैसे चार दिन से बारिश थी और महसूस हो रहा था कि खतरा हो सकता है, तो उससे पहले क्या इंतजाम किए गए थे? भाई देखो, पूरी पूरी टीम लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि इंतजाम, इसमें क्या है कि हमने मेंटेनेंस के लोग भी, जो मेंटेनेंस के टीम में ये काम नहीं आता है, फ्लड में आता है, फ्लड के लोग, मेंटेनेंस के लोग, MCD के लोग, हमारे सारे के सारे टीम के लोग इसमें लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता वर्कर सभी इसमें जुस्जू में लगे हुए हैं। लेकिन क्या है कि भाई ये दो ऊपर वाले की देन है, श्रीराम कॉलोनी का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है जी। क्षेत्रफल क्या है, एक विधानसभा जैसा क्षेत्र है वार्ड श्रीराम कॉलोनी, लेकिन क्षेत्रफल जो है एक विधानसभा जैसा क्षेत्र है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको पूरी तरीके से आज रात में इसको पूरा मैनेज कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या कोई टेंटिंग वगैरह का इंतजाम किया है? हाँ, ऊपर टेंट वगैरह का इंतजाम किया हुआ है हम लोगों ने, और अभी भी आज रात ऐलान कर दीजिए। तो अभी ऐलान किया है जो पुस्ते के साइड में ऊपर में हमने किया हुआ है, और इस वाले रोड पे भी टेंट अरेंजमेंट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, मतलब 100-150 टेंट तो अभी लग चुके हैं, और अभी भी, और आज रात में पूरा कंप्लीट इसको हम पूरा रोड को कर लेंगे। हमारी बात हुई थी सीनियर नेता से, तो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह इसको पूरी व्यवस्था की जाएगी। सर, कौन से क्षेत्र में, कौन से रोड के ऊपर आपके टेंटों की व्यवस्था है, पब्लिक देख रही है? जो हमारे मेन वाला रोड है, जो सिग्नेचर ब्रिज से आते हैं और यहाँ तक आप पूरा का पूरा इसमें हम आज रात तक पूरा मैनेज करेंगे इसको। सिग्नेचर दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग उस रात में इस ऐलान को सुन के उन टेंटों तक सुरक्षित जा सकते हैं जी। उसके लिए हमने गाड़ी वगैरह व्यवस्था अपनी पूरी व्यवस्था है, हमारी पूरी टीम, हमारी गाड़ी मेंटेनेंस वगैरह की, और हमारी पर्सनल गाड़ी वगैरह, और हमारे वॉलंटियर पूरे हमेशा तैनात हैं,
जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे वॉलंटियर हमारी आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे कंधे मेरे कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, वो पूरे दिन से आज मेरे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेरे समय पूरे साथ रहेंगे, मैं भी स्वयं साथ रहूँगा उनके। ऐसा नहीं, प्रशासन का कहना है ये वाली बारिश और आज का जो बारिश का स्तर है वो 1978 का जो है रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई, मैं बहुत अफवाह भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, गैप की बात तो अल्लाह जानता है भाई, कल क्या हो सकता है कैसे हो सकता है नहीं है, लेकिन मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह है कि हमारी आम आदमी पार्टी ने हम लोगों ने पूरा मैनेजमेंट कर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपको अपना वार्ड देखना है और ऊपर वाले लोग जो है उनको दिल्ली को देखना है, हम लोग अपने वार्ड को मैनेज करना है और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि हम आज अपने आप आज नाइट में आज रात में अपने वार्ड में जो थोड़ा बहुत पानी नज़र भी आ रहा है इसको मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या संदेश है के लिए जिस तरह 1994 में यहाँ बाढ़ आई थी, कैसे हालात बन सकते हैं? नहीं, ऐसे कोई हालात नहीं बनेंगे और मैं आपसे और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, पेशेंस रखें, सब्र रखें, मतलब सब्र के साथ रहें, पेशेंस रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप दूसरे को सहारा दें, अगर सहारा नहीं देंगे पेशेंस सब्र नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, इसलिए हम लोगों की इस वक्त हिम्मत की और सहारे की आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी बात सब भाइयों तक पहुँचे कि आपस में बिल्कुल प्यार प्रीत से रहें, मोहब्बतों से रहें, एक दूसरे को कमेंटमेंट करें और उसको सहारा दें। सर 1978 के हालात बने हुए हैं, आप जो है सचेत रहे, क्या कहना है इसके बारे में? उसके बारे में मेरे को संज्ञान नहीं हो, बड़े लोगों का एसडीएम साहब ने जो कुछ कहा होगा बेहतर ही कहा होगा।